नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हीरो है, मैं आपका स्वागत करता हूँ चैनल रवि टेक काज पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि दोस्तों फोटो का बैकग्राउंड कैसे हम लोग इरेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सिंपली बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हमको बैकग्राउंड इरेजर नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसे हम लोग बैकग्राउंड को इरेज करेंगे। तो दोस्तों सिंपली चलिए हम इसको लिख देते हैं, लिख चुके हैं मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली अब मैं इसका रेटिंग दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी 4.6 की रेटिंग है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके एग्जांपल के कुछ फोटोज़ की कैसे जो इसकी बैकग्राउंड इरेज होती है। तो चलिए हम लोग सिंपली वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड इरेजर जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था। तो चलिए हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आपका जो ऐसा इंटरफेस आएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोड अ फोटो कर लेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जैसे शेयर का, थ्री डॉट का, हाउ टू यूज़ का, फैक का। तो चलिए हम लोग सिंपली एक फ़ोटो ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि मैंने एक फ़ोटो ऐड कर लिया है। तो चलिए मैं यही वाला फ़ोटो ले लेता हूँ ओपन कैमरा का ही। तो दोस्तों आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं मैंने एक फ़ोटो ले लिया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आप यहाँ से क्रॉप या जूम भी कर सकते हैं। तो चलिए सिंपली आप अपना फ़ोटो क्रॉप कर लेते हैं। तो क्रॉप करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा, आप देख सकते हैं आपको जिधर से क्रॉप करना है उधर से ड्रैग कीजिए, वहाँ से क्रॉप हो जाएगा। तो सिंपली करने के बाद यहाँ पर डन पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग को छः ऑप्शन दिखेगा, एक्सट्रैक्ट, ऑटो, मैजिक, मैनुअल, रिपेयर एंड जूम। तो हमको सिंपली या तो ऑटो पे ले जाना है या फिर रिपेयर पे, यानी कि मान लीजिए हमारा ऑटो पर ले जाएंगे, उसके बाद आप आगे का प्रोसेस देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। ले जाकर जैसे कि हम आप छोड़ेंगे तो आराम से ये हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक ही बार में पूरा का पूरा बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा हमारा। तो चलिए हम सिंपली क्या करते हैं, अपना जो है बैकग्राउंड इरेज कर लेते हैं। तो दोस्तों हमको सिंपली कुछ जूम कर करके ऐसे ही हमको क्या करना है, जो हमारा बैकग्राउंड का इरेज है उसको इरेज कर लेना है, यानी कि जो हमारा बैकग्राउंड है उसको इरेज कर लेना है। तो दोस्तों आप सिंपली देख सकते हैं कि कैसे मैंने जो है इसको इरेज कर लिया। और दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे और भी हैं, मैं उसको जल्दी से इरेज कर लेता हूँ और आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि क्या करना है। अगर मान लीजिए गलती से भी आपका मतलब कुछ एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको रिपेयर करने के लिए, मतलब मान लीजिए कुछ मिट गया आपका जो अनवांटेड चीज़ें जो आप नहीं इरेज करना चाहते, अगर वही इरेज हो गया तो यहाँ पर आप रिपेयर वाले ऑप्शन पर जाके वहाँ से आप उसको फिर से जो है रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि उसको वापस ला सकते हैं। दोस्तों सारा का सारा प्रोसेस एकदम सेम, बस आपको एक दो बार करना है, उसके बाद आप सीख जाएंगे कि हाउ टू यूज़ इट। तो चलिए सिंपली ज़्यादा वीडियो को बड़ा ना करते हुए हम आगे वीडियो में और बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोटो का पूरा बैकग्राउंड मैंने इरेज कर लिया है। तो चलिए थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे जो है इरेज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कैसा इरेज हो रहा है, बहुत अच्छा आप इरेज कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा, मज़ा आने वाला है आपको, आपको थोड़ा सा भी मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। तो सिंपली हमको करना क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे मैंने कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर शुड और ऑफ सिमिलर कलर, तो यहाँ से आप अपना एक्स्ट्रा जो करना है कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको स्मूदिंग मिलेगा तो 5 कर देना है, क्योंकि 1 और 5 में आपको फर्क दिख जाएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं 1 और 5 का कॉम्बिनेशन, देखिए दोस्तों आपको फ़ोटो में बहुत फ़र्क मिलेगा। और दोस्तों मैं कोने में थोड़ा फ़ोटो अपना इरेज करना भूल गया था। दोस्तों यहाँ पे 3 मिलेगा, अगर यूज़र इस व्हाट्सएप स्टिकर वाइट बैकग्राउंड सेव एज जेपीजी या फिर चेंज बैकग्राउंड सप्रेम। तो दोस्तों आपका यहाँ पे हो चुका है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना है। वीडियो को पूरे देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के लिए कुछ सुझाव हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।